और दोस्तों ग्रेट, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, थैंक यू। हाँ यार, जब मैं बोलता हूँ ना गुड मॉर्निंग, ऐसे आवाज आनी चाहिए कि उस परमात्मा को पता चले कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना? क्योंकि मैं हमेशा ऐसा फील करता हूं कि आप बहुत ही स्पेशल लोग हैं अपने आप में। कारण क्योंकि यहां वही लोग आ सकते हैं जिनके पास कुछ जिगरा होगा, कुछ साहस होगा यार, बाकी लोग नहीं आ सकते यहां पर। हमेशा की तरह मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि दो तरह की नॉलेज होती है। एक तो मैं आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज है, वास्तु न्यूमरोलॉजी, मुझे दो ही सब्जेक्ट आते हैं, वो आपके साथ मैं हमेशा कॉन्टिन्यूसली शेयर करता हूं, करता रहा हूं और हमेशा करता भी रहूंगा। बट मुझे लगता है कि यार ये जीवन का एक पहलू है। दूसरा पहलू होता है, जब तक आपका माइंड ट्रेंड नहीं होता ना, आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लें, यू कैन नॉट अचीव दैट काइंड ऑफ अल्ट्रा सक्सेस। मेरी नज़र में सक्सेस नहीं होती, अल्ट्रा सक्सेस ही होती है। सक्सेसफुल तो सारे ही हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आप सक्सेसफुल तो ऑलरेडी हैं, तभी तो बैठे हैं ना सर। वरना फाइव स्टार होटल के अंदर आना, एक फीस अफोर्ड करना, एक अच्छे रुतबे के अंदर आना, ये तो सक्सेसफुल तो ऑलरेडी हैं आप, तभी तो आप हैं इधर, राइट सर? बट सक्सेस नहीं, अल्ट्रा सक्सेस सर। अल्ट्रा सक्सेस मैं उसको बोलता हूँ कि जब आपको शॉपिंग करनी हो, कोई चीज पसंद आ जाए तो टैग ना देखना पड़े आपको यार, है ना? तब मैं आपको मानता हूँ अल्ट्रा सक्सेस, टैग देख के नहीं। आपको कोई चीज पसंद आ गई, सपोज घड़ी पसंद आ गई, तो घड़ी टैग देख के ना परचेज करें आप, तब मैं अल्ट्रा सक्सेस बोलता हूँ। राइट और रॉन्ग सर? अगर आप किसी शॉप पे गए हैं वाइफ के साथ, तो पहले हम अक्सर क्या करते हैं, कोई शर्ट कोई ट्राउजर देख रहे हो तो पहले टैग देखते हैं, टैग देख के देखते हैं क्वालिटी कैसी है, फिर आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइस बहुत हाई है, आ जाए लगता है कुछ भी नहीं मेरे मोहल्ले में तो बिकती है, फिर आप उसको क्या करते हैं, निंदा कर देते हैं उसकी, जबकि आपको प्राइस पसंद नहीं आ रहा होता है ना। जरा सा उसका प्राइस टैग थोड़ा ठीक हो जाए, फिर आपको लगता है यार, तो मैं अल्ट्रा सक्सेस उसको बोलता हूँ कि जब आपको खड़े कोई चीज पसंद आ जाए तो आप बोलो सर पैक कर दीजिए और आपको ये रहा मेरा कार्ड, आप पैसे काट लीजिए और बाद में बिल दे के आप, मैं इसको अल्ट्रा सक्सेस बोलता हूँ। राइट और रॉन्ग सर? सो दैट काइंड ऑफ अल्ट्रा सक्सेस की जो चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरा ऐसा सपना भी है, ऐसा मेरा ख्वाब भी है कि जो स्टूडेंट हमारी कम्युनिटी के अंदर है वो कम से कम एक यार दुनिया के अलग स्टूडेंट्स हो, दुनिया के अलग इंसान हो, वो भीड़ से अलग हट जाए यार। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल, यू हैव दैट काइंड ऑफ यू नो स्पार्क। द ओनली थिंग इज इग्निशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू पीपल आर ऑसम, यू पीपल आर स्पेशल, सो दैट इज वाई यू आर, दैट इज वाई यू आर हेयर। ऑर्डिनरी पीपल आर सिटिंग हेयर एंड देयर सर। वो आज भी वही डिब्बा पकड़ के ऑफिस जाते हैं, शाम को वापिस आ जाते हैं, एक दिन भिंडी खाते हैं, एक दिन आलू खाते हैं, है ना, एक दिन कुछ खाते हैं और फिर देर ऑर्डनरी पीपल। You have the potential to be an extraordinary people, sir. Trust me, I'm not kidding. I can tell you, you have that kind of a potential. As a teacher, as a mentor, मेरा यही काम है कि आपका जो potential है उसको मैं आग दिखा दूँ, उसमें चिंगारी तो है, उसमें थोड़ा सा बारूद लगा दूँ, बारूद तो है, चिंगारी लगा दूँ उसके अंदर, ताकि आपको लगे यार हम बहुत कुछ जीवन के अंदर कर सकते हैं। तो वो भी साथ साथ में चीज़ें आपके साथ अपनी शेयर करता रहता हूँ। मैं हमेशा ऐसा बिलीव करता हूँ कि सक्सेस कुछ भी नहीं है यार, सक्सेस इज ऑल योर माइंड सेट, इट इज ऑल योर माइंड सेट। जैसा आपका माइंड सेट होता है ना सर, वैसे ही सफलता होती है। अब जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो सर, जितना सोचते हो उतना ही मिलता है आपको सर, राइट? अगर अब मैंने कोलकाता जाना है तो कोलकाता की टिकट परचेज करूंगा तो कोलकाता पहुंच जाऊंगा सर, राइट? तो मैं चाहता हूं आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करें यार, आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करें। दूसरे को कभी भी मौका मत दे कि वो आपकी वैल्यू तय करेगा, दूसरा तो कभी तय करेगा ही नहीं सर, वो तो हमेशा आपको अंडर वैल्यू करेगा ना। पीपल विल नेवर वैल्यू सर, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वैल्यू बाय योरसेल्फ। और उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, मीट एंड ग्रीट होता रहेगा, तो इसलिए मैं बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनता रहता हूँ और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, और इसलिए हमेशा दिन की शुरुआत भी एक अच्छे स्टोरी के साथ ही शेयर करता हूँ। तो आज की स्टोरी बड़ी ही इंस्पायरिंग है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त है वो, और उसका निचोड़ भी बताऊँगा कि कितना ज़बरदस्त उसका निचोड़ है। कहते हैं कि कुछ मेंढक थे एक टापू के ऊपर, कुछ मेंढक थे, हो सकता है 100, 150, 200 जो भी उनकी संख्या रही होगी। तो उनके मन में आया यार कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, बड़ा बोरिंग सा हमारा जीवन है, वही टापू, वही पानी, वही रोज दिनचर्या है,
तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, टापू के बीच में एक बहुत बड़ा पोल है, कम से कम 100 फीट ऊंचा है, तो लेट अस हैव अ जिसको बोलते हैं कार्निवल करते हैं, एक क्या बोलते हैं प्रतियोगिता करते हैं कि जो शिखर तक पहुंच जाएगा, टॉप को छुएगा इस पोल के, उसको हम यहां का राजा बना देंगे। ठीक है जी, तय हुआ, शर्तें तय हो गई, दिन तय हो गया, समय तय हो गया, सब लोग आए, प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब बहुत ऊंचा था, लगता था ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है। पहला चढ़ा, मुश्किल से 5-10 फीट चढ़ा, नीचे गिरा, फिर उसने ट्राई किया, फिर नीचे गिरा, फिर ट्राई किया, फिर नीचे गिरा, कभी 5 फुट कभी 10 फुट से नीचे नहीं जा पाया। दूसरा आया, उसने भी वही किया, 5-10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, फिर नीचे। तो करते करते 100 में से 50-60 जब लोग ऊपर गए नीचे, तो कोई भी 10-15 फीट से ऊपर नहीं जा पाया। तो सबके मन में आया, यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे 60 के बाद जो 61st था, वो जैसे चढ़े, अरे नहीं होगा यार, हमने ट्राई कर लिया, तो नीचे आ जा, अरे यार नहीं होगा, वो भी नीचे आ गया। फिर अगला गया 62वां 63वां, सब अरे नहीं होगा इसे देख लेना गया, तो शोर, अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा देख ले, मैं कह रहा हूं, वो कह रहा मैं भी कह रहा हूं, वो भी नीचे आ गया। तो करते करते जो लास्ट का था, वो जब चढ़ा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, वो भी नीचे, कभी ऊपर कभी नहीं, अरे नहीं होगा तेरे से भाई, 99 लोग कर गए हैं, नहीं हो पाया, तेरे से भी नहीं होगा। तो खूब चला, अरे नहीं होगा, वो फिर बेचारा करा, फिर करते 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 उस करते आधे पौने घंटे में वो टॉप पे पहुंच गया, और सब लोग हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो गया। तो जब वो आया नीचे, तो किसी ने पूछा उससे कि भाई साहब आप कैसे, यार ये तो कोई नहीं कर पाया। उसने बोला आई एम डेफ, मुझे सुनाई नहीं देता। स्टोरीज, दुनिया आपको हमेशा कहेगी तेरे से नहीं होगा, मैं कर चुका हूं, आपको डेफ होना जरूरी है सर। अगर वो भी डेफ नहीं होता, सुनता, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वो भी टॉप के ऊपर नहीं पहुंच सकता था सर। आई ऑलवेज बिलीव माई डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, अरविंद सूद हैज लर्नड अ ग्रेट आर्ट विच आई थिंक नोबडी कैन लर्न, द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन टू योर लाइफ, इन टू योर फैमिली, इन टू योर सोशल सर्कल, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। दिस इज द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोर करो ना यार, दुनिया तो कहेगी तेरे से नहीं होगा, इतनी फीस लेते हो, लुटेरे हो, चोर हो, डेफ है ना, मेरी 25,000 फीस सुन के बहुत से लोग गाली देते होंगे, डेफ मैं सुनता ही नहीं हूं सर, आई डोंट, राइट और रॉन्ग, अगर मैं सबकी सुनूंगा तो मैं आ ही नहीं पाऊंगा सर यहां पर। मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले मेरे कदरदान ये लोग हैं यार यहां पर, और इतने ही होते हैं, और इतने ही होंगे, और इतने ही रहेंगे सर हमेशा, वो कभी भी सैकड़ों की तादाद में नहीं होंगे, क्योंकि हिम्मतवर लोग, साहसी लोग चंद ही होते हैं सर, चंद ही होते हैं, और चंद ही रहेंगे हमेशा जीवन के अंदर। ट्रस्ट मी, लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड सर, वर्ल्ड इज ऑलवेज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। जो प्रोग्रामिंग है हमारे दिमाग में धन को लेके, इतनी नेगेटिव बिठा दी गई है सदियों सदियों से, जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन धन को लेके हमारी प्रोग्रामिंग गलत बिठा दी गई है कि ज्यादा धन कमाने से लोगों की आदतें खराब हो जाती हैं, ज्यादा धन कमाने से आदतें बिगड़ जाती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, तो किस लिए कमाना? ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है सर, ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है। मैं हमेशा कहता हूं हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है सर, जो पतंग ऊपर गई है ना वो एक दिन कचरे के डिब्बे में जाएगी जाएगी, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है सर आपको, मैं बता दूं, पहले आसमान को छू के दिखाइए, कचरे के डिब्बे में तो चले ही जाना है सर आपको, मैं बता दूं। वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जब तक उसको हम नहीं सीखते, जब तक उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, आप कितनी ही कॉस्मेटिक वास्तु अप्लाई करते जाएं, लाइफ के अंदर कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है, राइट? जैसे कल मैंने आपको बताया, डिस्टेंस, साइज और वॉल्यूम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है सर, एनर्जी फ्लो ग्राउंड टू ग्राउंड एब्सोल्युटली लॉजिकल, बट ये कोई सुनना नहीं चाहता। हम क्या सुनना चाहते हैं? ये दरवाजा अशुभ है, ताला लगा दो और आना जाना बंद कर दो, बट उसमें लॉजिक नहीं है, दैट इज मोर ऑफ ए सुपरस्टिशन, दैट इज मोर ऑफ ए सुपरस्टिशन।
मैंने आपको कहा जब एनर्जी का फ्लो चल रहा है तो आप दरवाजे को ताला लगा भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो इसी तरह से जब तक ये बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तब तक वास्तु के अंदर कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जब आपकी सिलेक्शन ठीक होगी ना सर, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है तो फिर आप कुछ भी करते रहें, ये पिरामिड, ये यंत्रा, ये चांदी की तार, ये घोड़े की नाल, है ना, उल्टे सीधे जो भी आप बाजार से परचेज करते रहते हैं, फिर आप समझते कि मैंने घोड़े की नाल लगाई थी, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। वो ईवेल आई बाजार में बिकती है, लगाई थी, कुछ हुआ ही नहीं। बैम्बू प्लांट लगाया था, कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहता हुआ ही नहीं क्योंकि आप बेसिक तो देख ही नहीं रहे ना। मैं कहता हूँ बेसिक ठीक करो, आपको कोई बैम्बू प्लांट, कोई ईवेल आई, कोई घोड़े की नाल, फलाना फलाना कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरा अभी नया घर बन रहा है, नया ऑफिस बन रहा है और आपको मौका लगेगा वहां आने का। आपको कभी भी वहां पर ईवेल आई, घोड़े की नाल, इसकी खाक कुछ भी नजर नहीं आएगा, है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेसिक ठीक है सर। जब बेसिक ठीक है तो इसकी जरूरत क्यों है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है लेडीज थोड़ा सा ब्लश भी कर जाए। अब लेडीज सुंदर है तो सुंदर है, मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मेकअप की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं सुंदर है तो कितना भी मेकअप कर लो फिर भी सुंदर नहीं है। तो बेसिक सुंदरता अगर आपके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चीजें आपकी बेसिकली ठीक हैं तो ट्रस्ट में आपको कभी भी कोई भी गैजेट की जरूरत नहीं है। गैजेट का मतलब होता है ऊपर से लीपा पोती करके उसको थोड़ा सा निखार देना, दैट्स ऑल, राइट। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ प्लॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में कई चीजें हैं, शेप ऑफ द प्लॉट, जब मेरी आदत है प्लॉट कहने की तो आप उसको फ्लैट भी सोच लीजिएगा, उसके अंदर एक्सटेंशन रिडक्शन हम कभी नहीं देखते। जैसे कि मैंने कल बोला था कि फ्लैट एंड वास्तु डज नॉट गो हैंड इन हैंड। क्यों? क्योंकि जब आप फ्लैट की बात करोगे ना तो एक्सटेंशन रिडक्शन आर वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। उसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस देने आया हूं सर। मैं आपको ये नहीं देने आया हूं कि इसको ठीक ही कर दो, नो। मैं आपको अवेयरनेस दूंगा कि ये आपके सामने सिचुएशन है, ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद डेड एंड प्लॉट, जो डेड एंड पे चले जाते हैं। अब ये वो टॉपिक आपको बता रहा हूं, जितने भी टॉपिक डेड एंड प्लॉट, टी पॉइंट्स, ये वो टॉपिक है जो आपको नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ने को मिलेंगे, नहीं पढ़ने को मिलेंगे सर, राइट। देन हाउ टू रेक्टिफाई एंड एनर्जाइज द प्लॉट। अगर आपके पास एक प्लॉट है, जैसे मेरा एक घर है, मैंने प्लॉट लेके बनाया है, तो परमात्मा आपको भी ऐसी, दिल्ली में तो खैर ये लग्जरी है, लेकिन बाहर की जगह पे जो टीयर टू सिटीज है वहां आज भी प्लॉट लेके घर, तो उस प्लॉट को हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे उसको एनर्जाइज करना है। अब आपको इस प्लॉट में जाना है तो यहां पर आप अपना गेट लगा लीजिए, इस प्लॉट में जाना है तो ऐसे चले जाइए, इस प्लॉट में आना है तो यहां गेट लगा लीजिए, दोनों अलग अलग हो गए सर। एक्टिविटी बाद में तय कर लेंगे कि जो वेस्ट एरिया है उसमें एक्टिविटी क्या करनी है, बट हमने दोनों को अलग कर दिया, हो गया ना सर। हो सकता है, हो सकता है, मैं बता दूं, अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है तो हो सकता है, इंडिपेंडेंट फैक्ट्री है तो भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका फ्लैट है, फ्लैट में तो दीवार लग नहीं सकती, फ्लैट में तो दीवार नहीं लग सकती। अब फ्लैट में दीवार नहीं लग सकती तो दो बातें होंगी, आपको अगर 90 डिग्री करना है, आप 10th फ्लोर पे रहते हैं तो आपको इतने हिस्से में क्या करना चाहिए, आप रेड कलर की टाइल, रेड कलर का पत्थर, रेड कलर का ग्रेनाइट, एनीथिंग, आप इतने हिस्से में यहां पर पूरे का पूरा एक रेड कलर की टाइल लगा दीजिए। कितनी ऊंची, यहां से सर आपने इतने हिस्से में रेड कलर की टाइल लगा दी, फ्लोर के ऊपर, नेचुरली फ्लोर पे ही लगेगी सर, क्योंकि आपके पास फ्लैट है तो फ्लोर ही होगा ना, तो आपने एक टाइल लगा दी। अब टाइल लगा दी तो उसकी हाइट भी होनी चाहिए, विड्थ भी होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच, मिनिमम 6 इंच, उससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, उससे ज्यादा करोगे तो फिर आपको टाप के जाना पड़ेगा, लेकिन 6 इंच अगर लगाओगे या 4 से 6 इंच लगाओगे तो आम आदमी जा पाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, यहां पर अगर हमने टाइल लगाई है रेड कलर की तो हमने क्या किया, बेसिकली इस एनर्जी को उधर जाने में स्लो डाउन कर दिया, ग्राउंड टू ग्राउंड। इसके अलावा और इसके साथ एड ऑन क्या कर सकते हैं,
एड ऑन करने के लिए अब हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि ये वाली वॉल पुश होके यहां पहुंच जाए, इसको धक्का मारें और ये वहां पहुंच जाए, या इस वॉल को धक्का मारें और यहां पहुंच जाए, यही चाहते हैं हम लोग। अगर आप किसी चीज को पुश करना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं, हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा, आप मिरर थेरेपी को यूज कीजिए सर। मिरर, मुंह देखने वाला शीशा, महंगा भी नहीं होता। आप क्या कीजिए, ये जितनी वॉल है कुछ इसकी फीता तो नाप ही लेंगे आप, इसका सेंटर भी निकल आएगा कि यार ये 10 फीट का है तो ये मैं 5 फीट पे आ गया। आपको क्या करना है, बीच का जो 5 फीट है यहां पर आप एक मिरर लगा दीजिए। जैसे आप इधर मिरर लगा देंगे तो मिरर क्या करेगा, इस चीज को पुश करके सिंबॉलिकली धकेल के पीछे कर देगा। अगर ये दीवार पे किसी तरीके की पॉसिबिलिटी ना बैठे बाय चांस, तो आप इस दीवार पे मिरर लगाइए और इसको पुश कर दीजिए। आपने देखा होगा जो फलों की दुकानें होती हैं, फ्रूट्स की दुकान होती है, छोटी दुकान अगर किसी की होती है तो वो क्या करता है, पीछे एक मिरर लगा देता है ताकि दुकान में घुसते ही उसकी दुकान बड़ी हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए। मिरर क्या करता है, चीजों को एक्सटेंड कर, ये मिरर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वो चीजों को बढ़ा देता है। इसका मतलब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना मिरर लगा के इसको पुश कर दीजिए। अब आपको बताता हूं, जैसे भूपिंदर जी ने कल बोला था, आपने अपने जिस भी शहर में आप रहते हैं, चाहे आप लखनऊ रहते हैं, चाहे बरेली रहते हैं, चाहे किसी भी शहर में रहते हो, एक चीज आपको सारे शहरों में कॉमन मिलेगी कि कुछ बिल्डिंग पिछले 5 साल से 10 साल से अधूरी पड़ी है, जबकि पैसे की कमी नहीं, बिल्डर भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, पर बिल्डिंग नहीं बन रही, अबंडेंट बिल्डिंग्स हो जाती हैं। उसके कारण अनेकों हो सकते हैं, बट पहला प्रमुख कारण ये होगा कि अगर उसकी डिगिंग या फिलिंग आप गलत कर देते हैं तो बिल्डिंग बनने में देरी हो जाती है। मैं पक्के से कह सकता हूं कि सर ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, डिगिंग का, फिलिंग का, एक्सटेंशन का, रिडक्शन का, डेड एंड प्लॉट का, ये वो सब्जेक्ट हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट में नॉर्मली, मेरे को जहां तक पता है, ये टच ही नहीं किए जाते हैं। वो सीधा ही जो मसाला सब्जेक्ट होते हैं, मसाला सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। मैं बोलूं मेरे को मसाला सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं, मैं चाहता हूं आपको सारी बेसिक आनी चाहिए। नाउ ध्यान से सुनिएगा, डेड एंड प्लॉट। डेड एंड का मतलब क्या होता है, एक सड़क है, जैसे आपको इमेज भी यहां नजर आएगी, देखिए डेड एंड का अगर आप मतलब देखेंगे, ये रोड सीधी आगे चलती जा रही है इधर और इधर, फिर यहां से एक रोड अंदर चली जाती है, और चाहे वो कितनी भी हो, 1 किलोमीटर हो, आधा किलोमीटर हो, कुछ भी उसकी हो सकती है, आगे जाके यहां पर दीवार लग जाती है, ठीक है जी। और इसी रोड को हम बोलते हैं डेड एंड प्लॉट। कॉमन है, ये बंद हो जाती है किसी भी सिटी के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे बरेली के अंदर हो, चाहे लखनऊ के अंदर हो, ये बड़े कॉमन से आपको मिलेंगे, डेड एंड की जहां सड़क हो जाती है। पहले तो नाम देखिए, डेड एंड, कितना नाम खतरनाक है, डेड एंड, जहां आदमी का एंड ही हो गया जाके। अब ये डेड एंड प्लॉट जो है बेसिकली क्यों खराब है, कारण फिर वापिस आऊंगा घूम फिर के एनर्जी जो है, साइंस जो है फ्लो की। अब यहां से सीधा एनर्जी चल रही थी, एनर्जी को आप रोक नहीं सकते सर। अगर आपने साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एनर्जी सिर्फ फ्लो करवाई जा सकती है, एनर्जी को चलाया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यही है ना रूल सर एनर्जी का। तो एनर्जी क्या चाहती है कि मेरे को फ्री फ्लो जितना चलाते रहेंगे मैं खुश हूं, लेकिन मेरे को जहां रोक देंगे मैं डेड हो जाऊंगी। इसका मतलब यहां एनर्जी चल रही थी, बट यहां एनर्जी सीधा जाना चाहती थी, लेकिन उसको हमने क्या किया, दीवार से रोक दिया। जब एनर्जी को रोक देंगे तो एनर्जी क्या करेगी, वो तड़पेगी कि मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, फिर लेफ्ट जाती है राइट जाती है, वो कहती है कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही, तो एंड ऑफ क्या होगा, वहां पर जाके एनर्जी मृत हो जाती है, सिंपल भाषा में। हालांकि मैंने ये नहीं बोलूंगा एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर, लेकिन एनर्जी को हमने बेसिकली क्या किया, खत्म कर दिया वहां पर उसके फ्लो को। वास्तु के अंदर जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी बुक्स हैं, वहां पर एक फंडामेंटल दिया हुआ है, वहां पर एक फंडामेंटल दिया हुआ है कि जो आप गेट लगाते हैं, जो आपकी कंपाउंड वॉल है, उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा
कि 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर पहले दो पार्ट में ना गेट लगाएं, तीसरे में लगाएं, फिर चौथे में ना लगाएं, पांचवें छठे में लगाएं, ऐसा कुछ फार्मूला है। हाँ, जहां लगाएं, मतलब मैंने वो फार्मूला कि कहीं लगाएं कहीं ना लगाएं, 9 पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में ना लगाएं, फिर तीसरे चौथे में लगाएं, फिर पांचवें में लगाएं, छठे सातवें, ऐसा कुछ फार्मूला है वहां पर। ये फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी एप्लीकेशन में है। जब ये फार्मूला लगाएगा तो वहां बड़ा डरावना लिखा हो कि अगर इसमें लगाओगे इस भाग में तो ये हो जाएगा, इस भाग में लगाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो फार्मूला डेवलप किया गया होगा, उस वक्त राजा महाराजाओं के महल होते थे, जहां उनका जो फ्रंट होता था सैकड़ों फीट लंबा होता था, 500 फीट, 1000 फीट, तब तो ठीक था। रथ आते थे ना, जिम्मेदार होते थे बड़े लोग, रथों के अंदर आते थे, तो रथ चौड़ा होता था, तो आराम से जब आपका 200 फीट 300 फीट का मत्था होगा, दो भाग में लगाइए तो आपका रथ अंदर चला जाएगा। अब मेरा ख्याल है दिल्ली के अंदर अगर किसी का फ्रंट 30 फीट हो जाए तो आप समझ सकते हो वो कितना चौड़ा आदमी होगा। मैं बता रहा हूं, नहीं, हम मैं तो भी छोटा ही हूं। 30 फीट वाला बंदा भी अपने आपको समझता है 10 करोड़ का है ना। 15 फीट वाले भी हैं यहां पर, 20 फीट वाले भी हैं। हम बड़ी बात ही कर लेते हैं, 30 फीट की बात कर ले जहां बंदा अपने आप को चौड़ा होके बोलता है। ये है 30 फीट सर, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 3.2 के आसपास बैठेगा, 3 फीट समथिंग। हम एक 9 भाग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो गए सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए सर। इसका मतलब अगर आपका 30 फीट का फ्रंट है, मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा ही लिया है, हालांकि 30 फीट दिल्ली में होना बहुत बड़ी बात है बता दूं आपको मैं। अब जिसका ये 30x60 का प्लॉट होगा, 10 करोड़ का तो प्लॉट ही है सर इधर, 10 करोड़। अब आपने 9 पार्ट्स कर दिए, अब आपको वास्तु शास्त्र कहता है कि दो पार्ट से ज्यादा आपने गेट, दो पार्ट कितने हो गए कहीं पर भी, 3.2 × 2 दैट इज इक्वल टू 6.5, 7 फीट मान लीजिए, और बड़ा कर देते हैं 7 फीट। आप क्या समझते हैं कि जिस आदमी के पास 10 करोड़ का प्लॉट होगा वो क्या मारुति 800 या साइकिल पे आ रहा होगा? उसके पास SUV होगी सर, मर्सिडीज भी होगी, बड़ी गाड़ी होगी। आप मेरे को बताइए कौन सी गाड़ी ऐसी है जो 6.5 फीट में अंदर चली जाती है, बताइए, कोई जाती है तो बताइए सर। शायद एल्टो भी मुश्किल से जो जिसके पास टाटा नैनो होगी फिर उसको 30 फीट का फ्रंट नहीं होगा। नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। अगर तो ये फार्मूला अपनाना है तो मैं आपको फार्मूला अपनाने में गुरेज नहीं करता हूं। फ्रंट 100 फीट चौड़ा होना चाहिए सर। 100 फीट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 9, 9 का मतलब हो गया 11 भाग 11 × 2 दैट इज इक्वल टू 20। तब कुछ हम सोचेंगे कि हम एक इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते। तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह फार्मूला कब अप्लाई करना है और कब यह फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। अगर यह फार्मूला आज भी, मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आज भी इस फार्मूले को, S1 का गेट कोई कहता है, N1 का गेट कोई, N2 का गेट, सुना हुआ आपने सर उपेंद्र जी, सुनते हैं ना, N1 का गेट लगाना है, S1 का लगाना है, S2 का लगाना है, S3 में लगाना है, ये वही N1 S2 है सर। अब गेट लगा के दिखा दो सर आप मेरे को, पॉसिबल नहीं है सर। ये तो 30 फीट वाला है, अगर आपका 20 फीट हो गया फिर तो मरी गए, फिर तो साइकिल पे ही आना पड़ेगा सर आपको, गाड़ी बाहर पार्क कीजिए और वहां से साइकिल पे अपने घर आइए, ये तो पॉसिबल हो सकता है। इट मींस ये फार्मूला इज नॉट वर्केबल इन द मॉडर्न इरा। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदली हैं, बदलती हैं और आगे भी बदलती रहेंगी। अगर आप उसके हिसाब से नहीं बदलेंगे आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे सर।